सर, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको लाना है अपने ब्लॉक के अंदर ट्रैफिक, तो आप में से ज़्यादातर लोग क्या करोगे, ब्लॉग पोस्ट लिखना शुरू हो जाओगे या फिर कहीं कहीं से आप लोग कहोगे कि मेरे ब्लॉग को देखो। बट मैं आपसे कहूँ कि यार आपको ब्लॉग के अंदर ट्रैफिक लाना है, वो भी इनिशियल ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपको लाना है बिना पोस्ट लिखे, यानी कि बिना नया पोस्ट लिखे, बिना न्यू पोस्ट आपको डाले अपने ब्लॉग के अंदर इनिशियल ट्रैफिक, इनके ऑर्गेनिक ट्रैफिक लिखे आना है। सो आप में ज़्यादातर लोग कहोगे यार ये कैसे हो सकता है, ये तो आपने वो बात कर दी जैसे कुछ हो ही नहीं सकता। सो नहीं यार, ऐसा हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने पुराने कंटेंट, यानी कि जो ओल्ड कंटेंट, जब आपने वो ब्लॉग स्टार्ट करा था और आज वो सक्सेस पे है, सो जो आपके पुराने पुराने बिल्कुल ब्लॉग पोस्ट थे, आप उनसे अभी के टाइम पे इनिशियल ट्रैफिक अपने ब्लॉग के अंदर लेके आओ। सो आप लोग करोगे यार ये कैसे पॉसिबल है, मेरे पुराने कंटेंट कौन पढ़ेगा, मैं उसको फीचर करूँगा तो फ़ायदा क्या है। भाई फ़ायदा है, आप उसको फीचर मत करो, बहुत सारे तरीके हैं। बट मैं आज के वीडियो में यही बताने वाला हूँ ऐसे तीन तरीके कि आप कैसे अपने पुराने, यानी कि रीपर्पसिंग अपने ब्लॉग पोस्ट को, ओल्ड ब्लॉग पोस्ट को, ओल्ड कंटेंट को, कैसे आप हायर पोजीशंस में गूगल के रैंक करा सकते हो, और उसके मदद से दोस्तों आपके साइट पे, उस पोस्ट पे एक इनिशियल अमाउंट ऑफ ट्रैफिक, यानी कि 20 to 30,000 विजिटर्स पर डे के आएंगे विद प्रूफ। आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ऐसे तीन तरीके बताने वाला हूँ, ये बिल्कुल काम करेंगे। और आप पुराने कंटेंट से आपको कोई पोस्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, आपके ब्लॉग पे ऑटोमेटिक आएंगे। सिर्फ आपको जो तीन स्टेप्स बता रहा हूँ, तीन ट्रिक बता रहा हूँ, तीन टिप बता रहा हूँ, तीन तरीके बता रहा हूँ, इन्हें इस्तेमाल करो यार, रियली आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। सो दोस्तों, आपको जैसा पता है मैं हूँ टेक्नो मास्टर अमन, और आपके लिए लेके आते रहता हूँ मैं ऐसे ही कंटेंट, ब्लॉग से रिलेटेड ब्लॉगिंग टिप्स, टेक टिप्स एंड ट्रिक्स, मोबाइल रिव्यू, टेक रिव्यू, लैपटॉप रिव्यू, जो चीज़ आती है मेरे पास रिव्यू की उन्हें रिव्यू भी करते रहता हूँ। बट यार आजकल मैं थोड़ा वेबसाइट में ज़्यादा आ गया हूँ, थोड़ा सा ब्लॉगिंग में ज़्यादा मैं आ गया हूँ, बिकॉज ब्लॉग मैंने भी एक नया स्टार्ट करा है। फ्री ब्लॉग पे भी मैं काम करना शुरू कर रहा हूँ, जो कि है webgyan.blogspot.com। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके विजिट करना। वहाँ पर मैं SEO, ईमेल मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग, साथ ही में होस्टिंग, सी पैनल होस्टिंग, हाउ टू क्रिएट वेबसाइट, हाउ टू क्रिएट ई-कॉमर्स वेबसाइट, सिलेक्ट ब्लॉग्स डालते रहता हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जाके एक बार चेक करना। और वैसे तो मेरे काफ़ी सारे ब्लॉग हैं, बट उसको एक सक्सेस पे ले जाऊंगा, उस पर एडसेंस अप्रूवल लूंगा, एंड देन उससे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करते रहूंगा, उससे अपनी सक्सेस स्टोरी आपको सुनाऊंगा कि मैंने कैसे शुरू करा उस फ्री ब्लॉग को। और डॉट ब्लॉग स्पॉट है, ये भी याद रखना, कोई कस्टम डोमेन नहीं, उसमें मैं एडसेंस अप्रूवल लेके आप लोग को दिखाने आ रहा हूँ। आगे चल के सारे वीडियोज़ आते रहेंगे, सो मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दें आप लोग। और इस वीडियो में तो वैसे मैं आपको बताने वाला हूँ तीन तरीके जिससे आप अपने पुराने कंटेंट से इस टाइम पे, अभी के टाइम पे, एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक, एक इनिशियल अमाउंट ऑफ ट्रैफिक आप लेके आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं। सो जो हमारा पहला तरीका है वो है फेसबुक से रिलेटेड। अब यार अब के टाइम पे फेसबुक कौन नहीं इस्तेमाल करता, अगर यार आप फेसबुक इस्तेमाल नहीं करते तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं आपके लिए कुछ राय वहाँ पर डालूंगा। बट यार आज के टाइम पे फेसबुक सब लोग इस्तेमाल करता है, अब जो नहीं करता भाई ऐसा कुछ होगा ही नहीं, बट नहीं करते तो ये ट्रिक आपके लिए नहीं है भाई। ब्लॉगिंग आपने शुरू करी, फेसबुक नहीं है, सो ब्लॉग आप सोशल मीडिया पर कैसे ले जाओगे, नहीं ले जाओगे तो वहाँ से ट्रैफिक कैसे आएगा। सो यार मैं तो कहूँगा फेसबुक पर आप अपने ब्लॉग के जो भी नाम है उसके हिसाब से आप अपना एक फेसबुक अकाउंट बना रहे हो, उससे सक्सेस आपको ज़्यादा मिलेगी। एक बार आपका ब्लॉग हायर पोजीशन में चल गया तो फेसबुक अकाउंट भी हायर पोजीशन में आ जाएगा, पेज तैयार कर लो। बट चलो आज का टॉपिक उस पर नहीं है। सो यार आपके पास होना चाहिए एक फेसबुक पेज या फेसबुक अकाउंट। अब आपको क्या करना है, आपको अपने पुराने कंटेंट, बिकॉज आप तो क्रिएटर हो, वर्डप्रेस हो, ब्लॉगर हो, आप फिल्टर करके अपने ओल्ड कंटेंट को निकाल सकते हो, एंड देन उसको आपको फेसबुक पे पोस्ट करना है। टैग करो, कुछ भी करो, हैशटैग्स लगाओ, एंड उसको अपने दोस्तों के साथ पेज है सो उस पेज पे शेयर करो पुराने कंटेंट को। अब उससे क्या होगा, ओल्ड कंटेंट जो बंदा देखेगा उसको इन्फॉर्मेटिव लगेगा, वो क्लिक करेगा, क्लिक करेगा, साइट पे चल जाएगा, साइट पे चल जाएगा, एक इनिशियल अमाउंट ऑफ ट्रैफिक आएगा। और कॉन्स्टेंटली डालते रहो, यानी कि एक कंसिस्टेंसी बना के रखो कि हाँ यार मेरे को आज के दिन में चार पोस्ट डाल देने हैं, तो एक सुबह डालूंगा, एक शाम वॉक में डालूंगा, एक दिन में डालूंगा, और एक इवनिंग में बैठूंगा सो डाल दूंगा। सो ऐसे ना आप बना के रखो कि एक नाइट में डालना है, एक रूल बना लो कि आज के दिन मेरे को पांच पोस्ट अपने फेसबुक पर डाल देने हैं, फेसबुक पेज में डाल देना है। या फिर फॉर एग्जांपल आप ब्लॉगिंग करते हो SEO से रिलेटेड, तो आप SEO के फेसबुक पे जाके पेजेस सर्च करो, उसे ज्वाइन करो, वहाँ पे अपने पोस्ट डालो। SEO के पेज में देखो जो बंदा इंटरेस्टेड होगा वही होगा, सो वहाँ पे आपके SEO की पोस्ट आएगी वो जरूर देखेगा, उससे इनिशियल अमाउंट ऑफ ट्रैफिक आएगा और उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। दो तीन चार आपकी मर्ज़ी से आप जितना डाल सकते हो, जितना आपके पास टाइम है उसके हिसाब से डालते रहो।
तो यार ये था हमारा जाके स्टेप नंबर वन, एक आप कह सकते हो ट्रिक नंबर वन। अब हम आते हैं यार अपने ट्रिक नंबर टू के तीर, जो हमारा दूसरा तरीका है आप ट्रैफिक ड्राइव करने का, यार वो है ट्विटर। अब आप ट्विटर के जरिए बहुत ही अच्छे से ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हो। मेरी एक ब्लॉग साइट है, रिवील अभी नहीं करूँगा साइट का नाम, बाद में आगे चल के जब वो सक्सेस पे वैसे पहुँच चुकी है बट बताऊँगा आगे चल के। सो यार उसके अंदर मैंने 15,000 विजिटर्स एक महीने के अंदर गेन करे थे सिर्फ ट्विटर से। बिलीव नहीं करोगे बट यार बिलीव करना पड़ेगा। प्रूफ स्क्रीन पर डाला हुआ है विजिटर्स का, शायद विजिटर्स ब्लर भी हों बिकॉज स्क्रीनशॉट में हमें सिक्योरिटीज इनके लिए ब्लर करना पड़ता है, बट रियली आए हैं यार। और ऐसे आप भी ला सकते हो। कैसे आया टिप बताता हूँ। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ट्विटर पे अपने जो पोस्ट है उनका लिंक पोस्ट करना है और कॉन्स्टेंटली रहो, या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हो बफर। बफर क्या है, बफर आपके उसके शेड्यूल कर देगा पोस्ट को कि 3 बजे ये जाएगा, 4 बजे जाएगा, 5 बजे जाएगा। सो क्या होगा, आपके ट्विटर के जितने भी फैंस हैं, जितने भी फॉलो होंगे, वो सब वेट करेंगे। और आपने देखा होगा यार जब भी किसी में सस्पेंस होता है तो लोग उसको आते देखते हैं, उसके अंदर एक सस्पेंस बना रहेगा कि यार वो बंदा 3 बजे डालते हैं मतलब 3 बजे आएगा, वो वेट करेगा 3 बजने का, कब 3 बज रहा है, कब 3 बज रहा है। 3 जैसे बजेगा वो तुरंत ट्विटर खोलेगा, आपका पोस्ट देखेगा, इनिशियल अमाउंट ऑफ ट्रैफिक आएगा। एंड बस आपको ट्रैफिक से मतलब यार हमारे पुराने कंटेंट में जहाँ पे पहले ट्रैफिक नहीं आता था क्योंकि हमने स्टार्ट करा था, ज़्यादा नॉलेज नहीं था, अब ट्रैफिक आ रहा है, वहाँ से अब ट्रैफिक आएगा। सो ये फायदे का लिए बात है और इस टिप को ज़रूर आप इस्तेमाल करना। अब आते हैं यार अपने टिप नंबर 3 पे, यानी कि तीसरा तरीका, लास्ट बट नॉट द लीस्ट तरीका, बहुत अच्छा तरीका, काम करने वाला तरीका, विद प्रूफ वाला तरीका। क्या कहूँ यार इस तरीके की तो मैं बात ही मत करो। अब आप में से जितने भी लोग यार ज़्यादा सोशल मीडिया से जुड़े हैं वो लिंक्डइन जानते होंगे। लिंक्डइन एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यार आपको जॉब्स मिलते हैं, अपने दोस्त मिलते हैं, काफ़ी अच्छे काम करता है। सो सबका, आप में से सारे तक लोग जो है सोशल मीडिया में लिंक्डइन को जानते होंगे, नहीं जानते तो जाके अपना अकाउंट बना लो। और अकाउंट कैसे बनाना है उससे रिलेटेड एक वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, जहाँ पे पूरा बताया गया है बेसिकली कि कैसे आप लिंक्डइन में अकाउंट बना सकते हो। मेरी वीडियो नहीं है, किसी बंदे की वीडियो है, जाके उसे देख लो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप सीख जाओगे एक बार लिंक्डइन में अकाउंट बना लेना। और उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, सो चिंता मत करो। और लिंक्डइन में अकाउंट बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, वहाँ पे अपना पोस्ट टाइप करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप लैपटॉप में, उसे लैपटॉप में टाइप करो, फ़ोन में उसे फ़ोन में टाइप करो, थोड़ा सा टाइप करना है, इनकी 4-5 लाइन आपको टाइप करना है। वहाँ पे पेजेस भी होते हैं, याद रखना, SEO लिखोगे SEO से लेट पेज आ जाएंगे। वहाँ जाओ, अपना 2-3-4-5 लाइन जो है उसको सिंपली टाइप करो और उसके बाद एक कंटिन्यू रीडिंग या रीड मोर का एक बटन डालो, लिखो सीधे। और वहाँ पे लिंक का, आप लोग जानते होंगे अगर वर्डप्रेस में, तो लिंक एक ऑप्शन होता है, इंटरलिंकिंग भी कहा जाता है, उसको आप अपने ब्लॉग पोस्ट से लिंक कर दो ताकि जो बंदा वहाँ क्लिक करे वो सीधे रिडायरेक्ट जो आपके ब्लॉग पोस्ट में, वहाँ पे एक बंदे के ट्रैफिक होए, रियल टाइम इस्तेमाल करे, इनिशियल ट्रैफिक मिल जाए, और क्या चाहिए यार। सो ये ट्रिक यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यार हमारे 3 ट्रिक और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब यार इनसे आप अपने पुराने कंटेंट से ट्रैफिक ला सकते हो। ये सोचो आज तक यूट्यूब में ऐसा वीडियो किसी ने नहीं बनाया होगा कि अपने पुराने कंटेंट जिसमें आज तक आपका ट्रैफिक नहीं आया है, कुछ नहीं आया, उसके अंदर आप हायर अमाउंट ऑफ, इनिशियल अमाउंट ऑफ ट्रैफिक तो आ ही जाएंगे, हायर छोड़ो इनिशियल आ ही जाएंगे। इनिशियल मतलब यही आपका जाके 2-3 हज़ार विजिटर्स की ट्रैफिक आ रही है। सो अब क्या चाहिए जिसके अंदर 0 थे 2 3 4 थे, क्योंकि भाई कोई भी बंदा आपके ब्लॉग में जाके पुराने ब्लॉग नहीं देखेगा आपको इतना स्क्रॉल करने के, भाई मेरे में तो हिम्मत नहीं रहती, किसी में रहती है तो उनसे कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ यार मैं इतना स्क्रॉल कर सकता हूँ, मतलब पूरे लास्ट की देख सकता हूँ। और ब्लॉग पोस्ट में ऐसे फिल्टर कम ही होते हैं, मेरे भी जितने ब्लॉग साइड है उसमें फिल्टर नहीं है, सो ये डिसएडवांटेज भी है। चलो कोई नहीं, हमें क्या करना है, बट ही बस इन कंटेंट्स आप ला सकते हो। और ये थी यार आज के वीडियो के टॉपिक में, आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप वीडियो आपको थोड़ी पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, सर वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। हमें कुछ बंदा आपके लिए मेहनत कर रहा है, आपके लिए वीडियो बना रहा है, आपके लिए आपको बता रहा है कि कैसे अपने साइड में ट्रैफिक ला सकते हो। और कुछ दिनों के बाद एक वीडियो आने वाली जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो, कुछ टिप्स ट्रिक्स, पर्सनल टिप्स, और वहाँ पे मैं अपनी ब्लॉग के साथ रिवील कर दूँगा। चिंता मत करना, लिंक्डइन में जाके अकाउंट बना लो, ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। और मैंने एक वीडियो बनाई थी टूल वेबसाइट कैसे बनाए, अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाके वो दोनों वीडियोस देख लेना, उसका भी लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। सो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं सेफ के साथ, टिल देन गुड बाय।